दोस्तों नमस्कार, ओएसएस आयुर्वेदिक रेमेडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। इसे अश्वगंध भी कहते हैं। इसकी कच्ची जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा या बाजीगंधा कहा जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में 5000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और राजस्थान के नागौर में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह 1 से 4 फुट ऊंचा शाखायुक्त झाड़ीदार पौधा होता है। इसके फूल छोटे पीले तथा हरे होते हैं। इसका फल गोल मटर के फल के समान हरे होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, छोटा व बड़ा। इसकी खेती भी होती है। आंतरिक प्रयोग के लिए खेती वाले पौधे की जड़ और लेप आदि के लिए जंगली पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। यह उन स्थानों पर उग जाता है जहां पर वन औषधियां नहीं होती। 5 किलोग्राम बीज लगभग 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त है। यह पहले नर्सरी में लगाकर फिर आधा आधा मीटर की दूरी पर खेत में फैला दिया जाता है। इसके लिए सिंचाई की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, खाद आदि की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक है। दिसंबर में फूल फल आने के बाद मार्च में पूरी फसल काट ली जाती है। जड़ों को कूट कूट कर मिट्टी हटा दी जाती है और पतली अलग कर मोटी जड़ों को औषधि बनाने के लिए चुन लिया जाता है। यह एक बलवर्धक रसायन है। अश्वगंधा के 1 वर्ष के सेवन से शरीर के सारे विकार लगभग बाहर निकल आते हैं। शरीर की दुर्बलता दूर करने के लिए यह एक रामबाण का काम करता है। अश्वगंधा का चूर्ण 15 दिन दूध घी से लेने पर आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। यह बलवर्धक होने के साथ साथ शुक्राणु की संख्या भी बढ़ाने वाला होता है। यह मांस और मज्जा की वृद्धि करने के साथ साथ नपुंसकता दूर करने में भी काफी सहायक होता है। यह एक टॉनिक है जो थकान का नाश कर शक्ति प्रदान करता है। अनिद्रा रोग में अश्वगंधा का प्रयोग एक अच्छी दवा है। जिन लोगों को गहरी नींद नहीं आती या नींद नहीं आने के कारण वो परेशान रहते हैं, उन्हें अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी है, उन लोगों को अश्वगंधा 3 से 6 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिलाकर दूध के साथ जरूर लेना चाहिए। इसका सेवन कम से कम 6 माह तक जरूर करें। कुछ ही दिनों में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अश्वगंधा का प्रयोग कोई भी कर सकता है और इससे काफ़ी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। किसी भी बीमारी के फ्री परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो तुरंत पा सकें। बेल आइकॉन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।